तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन में मैंने आपको करवाया था कि क्या लॉज हैं फ्रिक्शन के, पर मैंने इन जनरल रूल्स कराए थे। पर एक्चुअल में क्योंकि फ्रिक्शन दो टाइप की है, काइनेटिक एंड स्टैटिक, तो लिमिटिंग या स्टैटिक फ्रिक्शन के लॉज अलग हैं और काइनेटिक फ्रिक्शन के लॉज अलग हैं। तो क्या लॉज हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब या स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है, इसके क्या लॉज हैं? नंबर वन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ मैक्स, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन, जो बॉडी किस पे पड़ी होती है एट रेस्ट, किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अगर रफ सरफेस है तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी ज्यादा होगी। सेकेंड किस पे डिपेंड करती है? टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो पता ही है कि अगर बॉडी राइट जा रही है तो स्टैटिक फ्रिक्शन कहां पर है? लेफ्ट है। नेक्स्ट है, वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। लास्ट टाइम डिस्कस किया था, एरिया में कोई इससे फर्क पड़ता नहीं है। किससे फर्क पड़ता है? नॉर्मल रिएक्शन से। नेक्स्ट है, लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। हमने फॉर्मूला किया था एफ इज इक्वल टू म्यू आर का। जब यहां स्टैटिक पुट करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आती है, तो यहां से म्यू एस की वैल्यू क्या आएगी? एफ मैक्स बाय आर, यानी कि और जो रेशियो आएगी इसकी वो म्यू क्या होगा? एस होगा। म्यू एस का मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय इट्स नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, ये इसके लॉज हैं। अब दूसरी चीज इसके अंदर क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन के लॉज हैं। काइनेटिक का मतलब बॉडी चल रही है, बॉडी चल रही है तो उसके लॉज क्या है? नंबर वन, काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन एंड एज अ कांस्टेंट वैल्यू। काइनेटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को कभी चेंज नहीं करती, स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को चेंज करती है। एंड डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द टू सर्फेस इन कॉन्टेक्ट, तो रफनेस के ऊपर तो ये डिपेंड करती है। नेक्स्ट है, वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट मैटर नहीं करता, नॉर्मल रिएक्शन मैटर करता है इसमें भी। नेक्स्ट है, काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, चाहे वेलोसिटी ज्यादा हो, कम हो, एक्सेलरेशन हो, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ऑलवेज रिमेन्स सेम। नेक्स्ट है, वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये हमने किया था, एफ के इज म्यू आर, लेकिन म्यू यहां पर क्या यूज करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। उसमें क्या था? स्टैटिक, इसमें क्या है? काइनेटिक। तो म्यू के का मतलब क्या है? एफ के बाय आर, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन जब करेंगे तो म्यू चेंज हो जाएगा। अगर ये स्टैटिक होगी, लिमिटिंग होगी, लिमिटिंग वैल्यू ज्यादा होती है, काइनेटिक वैल्यू कम होती है, तो उसके म्यू एस बड़ा होता है, म्यू के छोटा होता है। इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी प्रोवाइडेड द वेलोसिटी इज नाइदर टू लार्ज नॉट टू स्मॉल। अब वो एक्चुअली क्या होता है, बहुत तेज वेलोसिटीज के ऊपर ना लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से हीट का निकलना और बॉडी का घिस जाना और रफ हो जाना, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि बहुत तेज़ ज़्यादा उसको मूव नहीं करवाना, सरफेस कम से कम जैसी ओरिजिनल वैसी रहेंगी।